माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माँ किचन कॉर्नर। आज हम बनाएंगे मजेदार सा चटपटा सा वेज मंचूरियन रेस्टोरेंट स्टाइल का। इसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। अच्छा, वेज मंचूरियन के लिए हम लेंगे कैबेज, लेंगे 1 कप कैबेज है मेरी और ये बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल पतली सी ग्रेट की हुई है। 1/2 कप ग्रेटेड कैरेट्स, 1/4 कप बिल्कुल फाइनली चॉप की हुई प्याज और 1 टीस्पून मैंने ग्रेटेड जिंजर ले लिया है। इसमें मसाले बहुत ही माइल्ड यूज होते हैं। मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा जो इसको बाइंडिंग का काम करेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स जो है वो बहुत सी दफा पानी ज्यादा रिलीज करती है तो हमें अकॉर्डिंगली हम ये मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। शुरू में ये क्वांटिटी कम है इस वजह से मैंने 2 टेबलस्पून ईच यूज किया है। इसको हल्के हाथ से हम यूं करेंगे। देखो मैं इसको बाइंड करती हूँ तो ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है तो हमें अभी इसमें कोई कॉर्नफ्लोर और मैदे की जरूरत नहीं है। तो मैं इस तरह से हम इसके मिक्स अच्छी तरह से करके मंचूरियन बॉल्स रेडी कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये तो बिल्कुल फ्राई करके सिर्फ इस तरह से भी खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे। मैं इसके बॉल्स रेडी करती हूँ। थोड़ा सा हम ऑयल वाला हाथ करेंगे हल्का सा और इसके जिस साइज के आपको बॉल्स चाहिए उस साइज के हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। सारे बॉल्स अगर आपको बड़े चाहिए तो आप बड़े यूज बना लेना और छोटे चाहिए तो ये मैं मीडियम साइज के बना रही हूं। इस तरह से सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। ये सारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसको मैं ऑयल चेक करती हूँ। हाँ, बिल्कुल हो चुका है। अभी हम 1 बाय 1 सारे बॉल्स इसमें डालेंगे और इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाए। थोड़ी देर तक हम इसे टच नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो मैदा वगैरह है वो एक दफ़ा सेटल हो जाए फिर मैं इसको टर्न करती हूँ। ये हमारे सारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए हैं। मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी रेडी हो गए हैं। इसका मज़ा तो इस तरह से ही केचप के साथ खाने का बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही यम्मी होता है। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। हम इसकी ग्रेवी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सारे सॉसेस एक साथ मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है कुकिंग में। सबसे पहले मैं लूंगी ये सोया सॉस है, वो हम लेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून केचप, 1/2 टेबलस्पून हम लेंगे विनेगर, व्हाइट विनेगर 1/2 टेबलस्पून। ये जितनी भी खटास है, विनेगर है और चिली सॉस है तो वो उसकी जो टमेटो केचप है वो सारी खटास को बैलेंस कर देगा। साथ में लेंगे हम 1/2 टीस्पून में सॉल्ट ले रही हूँ क्योंकि हमने वैसे ही
इसमें सोया सॉस ऐड किया है, वो भी सॉल्टी होता है। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये हमारा सॉस रेडी हो गया है। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसके साथ इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, 2 टीस्पून गार्लिक ऐड करेंगे। बस इसको सॉफ्ट इसी तरह से रहने देंगे। इसके साथ में ये 3 रेड ड्राई चिलीज ऐड करेंगे। प्याज ली थी उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। चाइनीज कुकिंग का यही मजा है, हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रेडी करेंगे और इसकी कुकिंग भी फटाफट हो जाती है और इसको स्पेशली वॉक में बनाया जाता है। इसके साथ मैं ऐड करूंगी 1/2 बेल पेपर है, वो भी ऐड कर दूंगी। बस इसको थोड़ा सा हम फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें सारे सॉसेस ऐड कर दूंगी। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये जो हमने इसमें जो कैप्सिकम ऐड किया है उसका कच्चापन, प्याज का कच्चापन निकल जाए। और ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेजिटेबल्स का क्रंचीनेस भी रहना चाहिए। बस ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे ये जो सॉसेस मैंने बनाए थे, ये ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा इसको हम सॉसेस को कुक करेंगे, फिर इसके बाद में इसमें पानी ऐड करती हूँ। बस इसको 1 या 2 मिनट के लिए इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 कप्स वाटर, 2 कप हम पानी ऐड करेंगे और इसको मैं हाई फ्लेम पे इसी तरह से बॉईल आने तक कुक करेंगे। ग्रेवी में बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाएंगे, वो ऐड करेंगे। मैंने 1/2 कप पानी लिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इससे जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरह से थिक हो जाएगी। और इसको हम स्लो टू मीडियम पे 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। ये हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। इस वक्त मैं इसमें ऐड करूंगी ये हमारे वेज मंचूरियन बॉल्स थे, वो ऐड कर देंगे। इसको इसी तरह से 2-3 मिनट तक पकने देंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़े से फूले फूले हो जाएंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट कर स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से कुक होने देंगे। इसको हमने पकाया तकरीबन 3 से 4 मिनट तक और इसकी ग्रेवी भी रिड्यूस हो चुकी है। और ये इस स्टेज पे हम इसके जो है सॉल्ट चिली हम चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम या ज़्यादा लगता है तो। मैं इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है, लाल मिर्ची नमक बिल्कुल बराबर है। अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप ऐड कर सकते हो। ये हमारी वेज मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ और हम इसमें स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये हमारा वेज मंचूरियन बिल्कुल रेडी है और चंद मिनटों में फटाफट बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप इसको फ्राइड राइस के साथ, नूडल्स के साथ, प्लेन राइस के साथ, जीरा राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। मैंने इसके साथ जीरा राइस बनाया है विद ग्रीन अनियंस और बहुत ही क्विक, बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो इसके बॉल्स हैं बहुत ही सॉफ्ट
और बहुत ही अच्छी तरह से बन गए हैं। ग्रेवी के में जाने के बाद ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी से हो गए। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको। डिलीशियस, आप जरूर ट्राई कीजिए इसे, किचन में जाएं। ये सारी चीजें हमारे मोस्टली किचन में अवेलेबल होती है, आप बनाएं, इंजॉय कीजिए, मुझे भी इंजॉय करवाइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देके, आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ।